या या रसूल रसूल अल्लाह, बेदार होता ख्वाब में दीदार प्यारे होता या नबी सलाम अलैका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नूरुम मिन नूरिल्लाह। कुरान व हदीस की रोशनी में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश मक्का मुकरमा में माह रबीउल अव्वल मुताबिक माह अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन ऐसे माहौल में हुई कि पूरी दुनिया कुफ्र व शिर्क की तारीकी में छाई हुई थी और इंसानियत गुमराही में भटक रही थी। गोया रूहानी तौर पर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, और जो अल्लाह हर रोज़ चांद सूरज और सितारों के ज़रिए सारे आलम को रोशन करता था, आज उसने इंसानों के तारीक दिलों को अपनी इबादत व बंदगी की रोशनी अता करने के लिए अपने प्यारे बंदे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का आफ्ताब बनाकर सैयदा आमिना के घर पैदा फरमाया। पैदाइश के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। यह नाम अरब में बिल्कुल अनोखा था। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से अपने पोते का नया नाम रखने की वजह मालूम की तो उन्होंने कहा कि मेरे पोते की पूरी दुनिया में तारीफ की जाएगी, इसलिए कि ये नाम रखा है, इसलिए कि ये मैंने ये नाम रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया और तमाम कुरैश को दावत दी। कुरान में कुरान के बयान के मुताबिक अबाबिल परिंदों ने अब्रहा के लश्कर को कंकरियों के ज़रिए हलाक किया। अल्लाह ताला ने इन परिंदों को बड़ी अकल व जहानत अता फरमाई। ये तिनके और गारे से बड़ी महारत के साथ अपना घर बनाती है और अपने बच्चों को जिंदगी से पाक साफ और बीट न करने की तालीम देती है। चिमगाद उनके बच्चों का बड़ा दुश्मन है, इसलिए कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घर में अजवाइन की लकड़ियाँ रख देती है, जिनकी खुशबू से वो उनके घर के करीब भी नहीं जाती। बिलाशुबा इस छोटे से परिंदों की अकल व जहानत अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। वालिदैन बड़ी मशक्क़त व मेहनत से बच्चों की परवरिश करते हैं, इसलिए वालिदैन के साथ अच्छाई का मामला करना और उनकी ज़रूरियात को अपनी
ताकत व हैसियत के मुताबिक पूरी करना फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशी का मौका आता या कोई खुशखबरी सुनाई जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे शुक्र अदा करते। किताब अबू दाऊद हदीस नंबर 2774 रिवायत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन सदका न बताऊं? तेरी वो लड़की जो लौट कर तेरे ही पास आएगी और उसके लिए तेरे सिवा कोई कमाने वाला न हो, तो ऐसी लड़की पर जो भी खर्च किया जाए वो बेहतरीन सदका है। किताब इब्ने माजा हदीस नंबर 3667 रिवायत हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म को छुपाया क़यामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। किताब तबरानी कबीर हदीस नंबर 10679 रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते हैं, तुम में से हर एक मेहमान है और उसका माल उधार है, और मेहमान यानी इंसान इस दुनिया से जाने वाला और आरियत की उसके मालिक को लौटानी पड़ेगी। किताब शाबुल ईमान हदीस नंबर 1241 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुमको करीब आने वाले अजाब से डरा दिया है जो उस दिन आएगा जिस दिन आदमी अपने उन आमाल को देख लेगा जो उसने अपने हाथों से किए होंगे, और उस दिन काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी हो जाता। कुरान पाक सूरह नबह आयत नंबर 40 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है, जब वह हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ़ होती है, लिहाजा उसका इलाज गर्म पानी और शहद से क्या करो। किताब मुस्तदरक हकीम हदीस नंबर 8237 रिवायत हज़रत उम्महातुल मोमिनीन माह आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, गुर्दे में जब पथरी वगैरह हो जाती है तो कुल्लों में दर्द होता है, बल्कि अक्सर इसी दर्द की वजह से बीमारी का पता चलता है। उसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बतलाया कि गर्म पानी और शहद मिलाकर पियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे अजाब से बचो जो सिर्फ गुनाह करने वालों ही पर नहीं बल्कि गुनाह देखकर खामोश रहने वालों को भी अपनी पकड़ में ले लेगा। खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। कुरान पाक सूरह अनफाल आयत नंबर 25 सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।